पाली जिले की रानी कलां ग्राम पंचायत के सरपंच संतोष भाटी को जोधपुर एसीबी की स्पेशल टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सरपंच भाटी ने नाला निर्माण के स्थान परिवर्तन को लेकर रिश्वत की मांग की थी। जानकारी के अनुसार परिवादी रमेश सेन ने जोधपुर एसीबी में परिवाद दर्ज करवाया था कि सरपंच है उससे रिश्वत की मांग की है, जिसको लेकर जोधपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीएसपी जगदीश सोनी के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया और 3 दिन तक सरपंच पर नजर रखी गई, जिसके बाद आज रिश्वत के 10,000 रुपए लेते हुए सरपंच को खुद के घर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। फिलहाल जोधपुर एसीबी की टीम रानी थाना परिसर में सरपंच के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मेरे मित्र की फैक्ट्री है, माधिरो फैक्ट्री टोली, उसमें बाहर नाला निर्माण हो रहा है, तो वो सरपंच है वो मेरे फैक्ट्री दीवार के पास नाला निकाल रही है। तो उसने कहा कि यदि आपको हमने उसको रिक्वेस्ट किया तो उसने कहा कि फैक्ट्री के आगे दीवार छोड़ के 4-5 फुट दूर नाला बढ़ेगा तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा। हमने इसका एक तारीख को शाम भैया सत्यापन कराया गया, हमने इसका सत्यापन में ये बात क्लियर हो गई कि वो 10,000 रुपये रिश्ते मांग रही है। साथ में उसका बेड भी था, बेटा था पास में, जो कह रहा कि उन्होंने कहा था 5,000, उसने कहा कि 10 कर दो, तो कह 10,000 बहुत है हमारे। उसके बाद में फिर 2 तारीख को हमारी टीम आई थी यहाँ पे,